इंडोनेशिया सरकार और शाही घराने ने किया अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच एम ए अली को सम्मानित, लेकिन भारत में आज भी ये हीरो कईयों की नजर में है अनजान। भारत सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, बबीता फोगाट, नीरज चोपड़ा और मैरीकॉम जैसे चैंपियन खिलाड़ियों का ही देश नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारे ऐसे गुमनाम सितारे भी हैं जो सरकारी अवहेलना के चलते लोगों की नजरों से ओझल हो गए हैं। इनमें से एक नाम अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच एम ए अली का है, जो अपने पूरे करियर में सरकार की अवहेलना और उदासीनता का शिकार रहे हैं, जिसके चलते कराटे वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीतने के बावजूद देश के ज्यादातर लोग एम ए अली के नाम से अनजान हैं। लेकिन आज उसी एम ए अली का विदेशों में डंका बज रहा है और दुनिया उन्हें सम्मानित कर रही है। पिछले 20 सितंबर को बैंकॉक में हुए वर्ल्ड मीट के दौरान एम ए अली को इंडोनेशिया की सरकार और वहां के शाही घराने के जरिए सम्मानित किया गया। इंडोनेशिया के राजा DRS RS सानी वजाया नदाक्सुमा SH ने उन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड बेस्ट एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं महामहिम महारानी उल्ली सिगार रुसाड़ी ने उन्हें शाही पदक प्रदान किया और शाही पगड़ी भी पहनाई, साथ ही उन्हें विशेष उपहार भी दिए। कार्यक्रम में शामिल हुए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने एम ए अली की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। बता दें कि वर्ल्ड मीट थाईलैंड पिछले 3 वर्षों से एम ए अली की देखरेख में ही आयोजित हो रहा है। वे वर्ल्ड मीट थाईलैंड आयोजक कमेटी के निदेशक हैं। उनकी काबिलियत की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। पिछले 3 साल से वर्ल्ड मीट का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हो रहा है, लेकिन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए कुछ देशों ने वर्ल्ड मीट का आयोजन अपने यहाँ करवाने की इच्छा जताई है। इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया ने यह प्रस्ताव दिया है कि अगले साल वर्ल्ड मीट का आयोजन उनके देश में किया जाए। वहीं थाईलैंड का कहना है कि वर्ल्ड मीट का आयोजन हमेशा वहीं हो। इस बारे में एम ए अली ने कहा कि 2024 में वर्ल्ड मीट के आयोजन स्थल के बारे में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। अगले साल वर्ल्ड मीट का आयोजन किस देश में होगा उसकी घोषणा 45 दिनों के बाद की जाएगी। गौरतलब है कि भले ही भारत सरकार एम ए अली को उचित सम्मान नहीं दे रही है, लेकिन भारत के बाहर उनकी धूम मची हुई है। चंद दिन पहले इंडोनेशिया सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। उससे पहले 2017 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ जेंडर इक्वालिटी और अफर्ड्स अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया था। 2019 में थाईलैंड में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हाल ही में बांग्लादेश के प्रमुख अखबार अंग्रेजी दैनिक द डेली ग्लोबल नेशन ने एम ए अली को अपना अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा की है। साथ ही यूके के A1 ग्लोबल टीवी ने उन्हें भारत के आजीवन प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित किया है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न गैर सरकारी, सामाजिक, खेल, शिक्षा व साहित्यिक संस्थाओं और मीडिया घरानों की तरफ से सैकड़ों पुरस्कार मिल चुके हैं। हालांकि एम ए अली का कहना है कि इन्हें पुरस्कार मिलने से ज्यादा खुशी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मिलती है। वर्ल्ड मीट 2023 के समापन समारोह के दौरान जब लोग खुशी से मुस्कुरा रहे थे तो वो देखकर उन्हें सबसे ज्यादा खुशी हुई। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, एम ए अली ने कहा कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव हो। वर्ल्ड मीट के आयोजन का मकसद विश्व शांति है। कराटे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद एम ए अली ने लोगों को मुफ्त कराटे सिखाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है और अब तक वे हजारों लोगों को मुफ्त में कराटे सिखा चुके हैं और दुनिया भर में उनके शिष्य मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आपने इंडियन कराटे टीम को उस लेवल पे ले गए और इस लेवल पे ले गए कि आज भारत की बच्चियां, भारत के बच्चे विदेशों पे जाके देश का नाम रोशन कर रहे हैं और भारत के लिए मेडल जीत रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या और भी जो स्पोर्ट्स होते हैं, उसके जो प्लेयर्स होते हैं, उसके जो कोचेस, उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, लेकिन कराटे की जब बात करते हैं और आप जैसे अनसंग हीरो जो गुमनामी के गार से लोगों को निकालते हैं और देश के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, क्या लगता है कि आप जैसे और आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई? देखिए, पहला बात तो ये है कि कराटे जो है, विशेषकर ट्रेडिशनल कराटे, जो रियल कराटे है, रियल मतलब फाइट में काम आती है, ये रिकॉग्नाइज नहीं है, ना ही इंटरनेशनल ओलंपिक से, ना ही यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज नहीं है ट्रेडिशनल कराटे। और ये रिकॉग्निशन ना होने की वजह से जो है किसी तरह का फंड जो है ग्रांट नहीं होती है। ठीक है, फंड नाम, लेकिन सपोर्ट भी बहुत मुश्किल होता है, सपोर्ट भी नहीं मिलता, कोई आर्थिक मदद। अब देखिए, ऐसा है कि हम ये नहीं कहेंगे, अपने सरकार को हम गाली भी नहीं देंगे और उनसे और हम मांगेंगे भी नहीं,
अब मुझे ज़रूरत भी नहीं है हुकूमत की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसलिए कि ऑलरेडी 2017 साल में गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने हमारे काम को देखते हुए हीरो ऑफ जेंडर इक्वलिटी का सम्मान दिया है। ये आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने हीरो ऑफ जेंडर इक्वलिटी का से सम्मानित किया है। अपवर्ड अचीवर्स अवार्ड मुझे मिला है और अभी कुछ दिन पहले इंडोनेशिया का गवर्नमेंट ने मुझे ये बैज दिया है जी। राजा ने खुद हमारे सीने पर यह लगाया। इंडोनेशिया के राजा शाही जो घराना होता है रॉयल फैमिली, ये मुझे पगड़ी और ये बैज के साथ में मेरे को हवाले किए। साथ ही साथ रात 1:30-2 बज रहा हो और देश के शहर के लोग इतनी बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पर खड़े हैं मुझे वेलकम करने के लिए, तो बहुत बड़ा वो गिफ्ट हमारे लिए। गवर्नमेंट दे ना दे पर हमारे देश के, हमारे मुल्क के, हमारे शहर के लोग ये जो तोहफा मुझे फूल जब पहनाते हैं तो उससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं है। आई एम हैप्पी विद दैट। सर आप जब कलकत्ता के गलियों से, सड़कों से, जब स्लम इलाकों से झुग्गी झोपड़ियों के लड़कों को, लड़कियों जब आप निकालते हैं, उनको चयन करते हैं और इंटरनेशनल स्टेज पर उनको ले जाते हैं, कैसा आपको क्या लगता है कि आपका मिशन पूरा हो गया? मैं चाहूँ तो अमीर बच्चे को ट्रेनिंग करके ले जा सकता हूँ, पर हकीकत में क्या ये जो गरीब बच्चे हैं ना, दे आर बॉर्न फाइटर। अमीर के लिए तो सब है, गरीब के लिए कौन है। तो मैं ये जो झोपड़ी में रहते हैं, जो खाल के बगल में रहते हैं, जो ट्रेन लाइन के बगल में रहते हैं, जिनके पास पासपोर्ट बनाने की पैसा नहीं होती है, मैं उन बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ जब वो एयरपोर्ट जाते हैं, जब जहाज़ में बैठते हैं और वहाँ जब जा कर के वो जब खेलते हैं ना, तो जो बॉर्न फाइटर होता है उनका खेल का मिजाज कुछ और होता है। अभी कुछ दिन पहले छोटा बच्चा, जाने के टाइम उसकी तबीयत ख़राब है, पर वहाँ जब खेल खड़ा हुआ तो एक किक मारा, अगला को आउट कर दिया, एक किक में स्कोर करके निकल आया, 10 सेकंड भी नहीं लगा। तो मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं शायद सही बच्चों को चयन कर रहा हूँ। सर आपको अमेरिकन गवर्नमेंट ने हीरो ऑफ जेंडर इक्वलिटी अवार्ड दिया और भी इंटरनेशनल लेवल पर आपको रिकॉग्नाइज किया, क्या लगता है कि देश में आपके साथ जो सम्मान मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं मिला? खैर ये तो आप लोगों को अच्छा पता है मुझे देश से सम्मान मिला कि ना मिला, विशेष के स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, पर लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। करीब सैकड़ों अवार्ड्स प्राइजेस मेरे पास है विभिन्न संस्था का, विभिन्न देश के देश से, तो इट इज़ इमेटेरियल टू मी। गवर्नमेंट दे तो भी शुक्रिया, ना दे तो भी शुक्रिया, कोई एतराज़ नहीं। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनसे कोई शिकायत या कुछ कोई चीज़ जो रंज, कोई मलाल? दीदी से मैं यही कहूँगा कि आपके जो खेल मंत्री पहले थे मदन मित्रा, जिसको आप कलरफुल बॉय बोलती हैं, जो एक अच्छा मिनिस्टर हैं, मैं खुद कहूँगा कि वो एक अच्छा मिनिस्टर थे, और वो उस टाइम में जब हमारी टीम जाती थी वो टीम को स्पॉन्सर करते थे, टिकट का पैसा देते थे, ट्रेनिंग का पैसा देते थे, पर अभी मुझे नहीं मिलती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मिले, ये इस मैटर को आप देखिए। तो क्या आपने जो अभी मौजूदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर उससे मिलके कभी इसका मसले का समाधान करने की कोशिश की, कभी उनको बताया आपकी जो आप बीती है, जिस तरह से आप लोग जितनी मुश्किलों से लोगों को निकालते ट्रेन करते? मीडिया के माध्यम से कई बार मैंने गुहार लगाया है, पर कोई ऐसा आश्वासन मुझे नहीं मिला है। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब इस वीडियो को देखे तो आप उनसे आप क्या गुहार लगाएंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर अरूप विश्वास जी, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आइंदा मुझे पब्लिक के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, आपके रहते हुए, विशेष करके दीदी के रहते हुए, दीदी के रहते हुए हम भीख मांगे और देश को रिप्रेजेंट करें, विशेष के गरीब लड़कियों के लिए ये अच्छा नहीं लगता है, कितना और भीख मांगेंगे, अब नहीं मैं मांगना चाहता हूँ। हो सके तो आप इनके सर पर हाथ रखिए और ये टीम को आप भेजिए, आप विदाई कीजिए, आप इनको रिसीव कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सर आपने कुछ महीने पहले ऐलान किया था कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में आप लोग वर्ल्ड मीट कराने की सोच रहे, इंटरनेशनल इवेंट कराएंगे, तो उस पर क्या कहाँ कुछ बात आगे बढ़ी है, इस पर क्या? उस पर ऐसा था कि बहुत आगे बढ़ नहीं पाया था बात जी, जिसकी वजह से वो मुझे कोलकाता इंडिया में नहीं करके फिर थाईलैंड में करने पड़ा।
इसलिए कि जो लोग आएंगे उनकी सिक्योरिटी का रीज़न भी था, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत से जिम्मेवारी पड़ जाती है फॉरेन डेलीगेशन, और कोरोना जस्ट ख़त्म हुआ था तो बहुत से लोग उस टाइम नहीं चाहे कि यहाँ पर वो आएंगे। पर इन फ्यूचर मेरा बहुत इच्छा है कि अगर आप मुझे हेल्प करती हैं, आप अगर कहती हैं, तो मैं दुनिया का 30 से 40 देश, 8 से 10 कंट्री का राजा को मैं आपके कलकत्ता शहर में ला सकता हूँ। और सर इस बार जो आप लोग आए लास्ट दो रोज कबल रात को मिडनाइट रात के वक्त में, और आप लोग का ग्रैंड वेलकम किया गया, तकरीबन हजारों की संख्या में लोग थे, तो आप लोग का फीलिंग कैसा था सर? ये बहुत से लोग जानते हैं, हकीकत बहुत हम खुश थे, बहुत ही खुश थे कि विशेष करके लोग इतना रात को, रात 2 बज रहा उस टाइम, फूल माला मिठाई बिरयानी लेके सब खड़े हुए हैं टीम को रिसीव करने के लिए। मतलब जो प्लेयर उनके घर के लोग थे, पर आम पब्लिक, बहुत सब पब्लिक वहाँ पर जुटे हुए थे जिनको हम पहचानते भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा, मैं उन सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कितना कितना प्लेयर्स का लाइफ अभी आपके कारण या आपके स्पोर्ट्स के कारण जो है चेंज हो पाया, कुछ कितना लाइफ में बदलाव आया सर आपके, जो प्लेयर्स जो पहले थे और अब जब ये लोग? बहुत बदलाव आया है हमारे बच्चों के अंदर, बहुत बदलाव आया है। आज ये दे कैन फेस द वर्ल्ड, दे आर रेडी टू फाइट विद एनी कंट्रीज, एनी चैम्पियंस, किसी के साथ भी लड़ सकते हैं। इनको मैं पूरा तैयार कर चुका हूँ, कहीं थोड़ा बहुत अगर कमी है तो वो भी हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे, और आने वाले दिन में सिर्फ गोल्ड ही बच्चे लाएंगे, सिल्वर नहीं। रामलीला पार्क कलकत्ता में पिछले कई सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, क्या इस सिलसिले को और भी आप एक्सपेंड करेंगे आने वाले दिनों में, कुछ बढ़ाएंगे? जरूर, हम चाहेंगे कि ये रामलीला पार्क में जैसा एक सेंटर चल रहा है और यहाँ पर लड़कियों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है, हम चाहेंगे कि कोलकाता में जो भी इदारा है वो लोग आगे बढ़ करके आके ताल्लुकात करें, हम लोग इसको और एक्सपांड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, क्या ऐसे लोग अगर आपको अगर अप्रोच करते हैं सिखाने के लिए कराटे ट्रेनिंग, क्या उसके लिए कुछ आपने कुछ सोच के रखा है? ज़रूर, हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर्स बढ़े और बेसिक से बेसिक खिलाड़ी तैयार कर सकें हम, जाकि ये बच्चे विदेश जाएं एक दिन और देश का नाम रोशन करें। अपनी टीम के लिए क्या क्या बोलेंगे? आपके टीम में क्या ऐसे प्लेयर थे जो बहुत एकदम गरीबी रेखा से आए थे ऊपर में और आज ये लोग नाम पैदा कर? सूरज मुल्ला जो चंपाहाटी में रहता है, उसके उसके जो डैडी हैं, पिताजी जो हैं, वो चाय दुकान में काम करते हैं और उनकी आँख खराब हो चुकी है जिसके वजह काम भी नहीं कर रहे हैं। वो बहुत गरीब घराने से था, वो भी टीम में गया था और गोल्ड जीत करके लाया है। उसके बाद में हुमायरा शमी जो अंजुमन गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, वो भी खुलाबाड़ी में रहती है, वो गोल्ड जीत करके लाई है। तो मतलब के एक एक जो बच्चे जो हैं, कहावत नहीं है कि कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, तो सही कमल नहीं गुलाब का फूल खिला है, गुलाब का फूल खिला है। क्या मैसेज देंगे? हमारे जितने वेल विशर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआ के लिए, और जैसा आज जो भी सब कुछ हुआ ये आपकी दुआ का बरकत है, बहुत बहुत शुक्रिया। और माय हार्टिएस्ट एंड स्पेशल थैंक्स टू हालाते बंगाल एंड न्यूज़ टैग इंडिया। अली सर, इस बार तो 4 गोल्ड मेडल आप लोगों ने जीता है, बहुत सक्सेसफुल रहा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वर्ल्ड मीट आप लोग कहाँ कराने की सोच रहे? देखिए, मेरे पास इंडोनेशिया के बादशाह, उन्होंने कहा कि आप हमारे कंट्री में कराइए, हमारी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरा सहूलत दी जाएगी। सेम टाइम जापान से भी मेरे पास ऑफर आया, जून सेंडो ने कहा कि आप हमारे कंट्री में कराइए। उसके बाद पी जूरपस जो हमारी प्रोग्राम की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कहा कि आप कोरिया में करवाइए। उसके बाद में दुबई से भी मेरे पास ऑफर आया, पर सेम टाइम थाईलैंड के लोग इस प्रोग्राम को इतना वो खुश हुए हैं, इससे थाईलैंड की रॉयल फैमिली आई हुई थी और जितने ब्यूरोक्रेट डिप्लोमेट्स ऑफ थाईलैंड सभी कोई वहाँ हॉल में मौजूद थे, वो लोग चाहते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी और बहुत बड़ा तरीका से हम लोग थाईलैंड में ही करें, ये दूसरे कंट्री में ना जाए। तो अभी सोच विचार किया जा रहा है, कमेटी देखते हैं कि फाइनली हम कहाँ करवाएंगे। इस पर अब तक फाइनल हम लोग कोई ठोस कदम नहीं उठाएँ, पर 1.5 महीना लगेगा, फिर हम अनाउंस करेंगे थ्रू हालाते बंगाल के माध्यम से। क्या भारत में करने का कोई
सोच विचार है हिंदुस्तान में? जरूर, मैं तो चाहूंगा बाहर क्यों हो, 50 कंट्री हमारे देश में आए, हमारे देश का रेवेन्यू बढ़े, हमारे देश में वो आएंगे तो देश के लिए बहुत फायदा होगा और उन्नति होगा, देश का नाम पूरे दुनिया में चर्चा होगा कि कहाँ हो रहा है भाई, इंडिया में हो रहा है, तो ये एक अच्छा चीज़ होगा, एक्सचेंज ऑफ कल्चर भी होगा, लोग पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और सभी को अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। पर वही शर्त यह है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो हम करवा सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। हो सकता है कि शायद पहचानने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर एक दिन ज़रूर दीदी मुझे पहचानेगी। ये बच्चों लोग को थाईलैंड तक पहुंचने में, वहां पर सारा खर्चा के लिए मैंने गुहार लगाई थी पब्लिकली थ्रू मीडिया, तो जो लोग मदद किए बच्चों को उनका भी शुक्रिया और जो मदद नहीं किए उनका भी शुक्रिया। आपसे बस एक ही मेरा अर्जी है, दरख्वास्त है कि आप इन बच्चों को दुआ कीजिए जाके आने वाले दिन में बेसी से बेसी गोल्ड जीत सके बच्चे।